नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूँ प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। वकालत खाना समेत कई स्थानों पर प्रतिमा स्थापित कर धूमधाम से की गई चित्रगुप्त पूजा, प्रसाद का किया गया वितरण। विभिन्न पूजा पंडालों में विधानसभा चुनाव के पहुँचे प्रत्याशी, लोगों को दी पूजा की शुभकामनाएं। के एक होटल में घटवार समाज की प्रदेश स्तरीय हुई बैठक। मुख्य अतिथि के तौर पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी समेत अन्य समाज के लोग रहे मौजूद। विधानसभा चुनाव को लेकर भी हुई विस्तृत चर्चा। पालगंज निवासी राजेंद्र सिंह की ट्रेन से कटने से हुई मौत। सदर अस्पताल में कराया गया शव का पोस्टमार्टम। मधुबन में पुजारी का करता था काम, फाटक के पास मिला शव। रक्तदान के क्षेत्र में बेहतर योगदान करने के लिए सीसीएल ने रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार को किया सम्मानित। बंगाराम कार्यक्रम किया गया आयोजित। सीसीएल के जीएम समेत कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। खबर विस्तार से। डुमरी विधानसभा में जीत हासिल करने को लेकर आजसू और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मंथन बैठक की गई, जिसमें सभी ने एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी को डुमरी विधानसभा से विजय दिलाने का संकल्प लिया। वही कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो उपस्थित रहे। डुमरी विधानसभा फतह हासिल करने को लेकर एनडीए खेमे के आजसू और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की संयुक्त रूप मंथन बैठक डुमरी के निजी होटल में हुई, जहां कार्यकर्ताओं को जोश बढ़ाने को लेकर खुद आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो खुद उपस्थित हुए। इस मंथन बैठक में भाजपा और आजसू कार्यकर्ताओं ने एक सुर में एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी को डुमरी विधानसभा से विजयी दिलाकर विधानसभा भेजने का संकल्प लिया। सभा को संबोधित करते हुए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि इस बार किसी भी हाल में झुकना नहीं है, बल्कि बड़े अंतर से जीतना है। इसलिए अपने अपने क्षेत्र में कार्यकर्तागण कमर कसकर यशोदा देवी के पक्ष में वोट दिलाने का काम करें। वहीं पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि एनडीए का हम घटक है और युवाओं के लिए रोजगार पहला मुद्दा है। भाजपा की वह घोषणा पत्र में 1 रुपए में महिलाओं का जमीन रजिस्ट्री उन्होंने समर्थन किया और कहा कि महिलाओं को यह चेक नहीं मालिक बनाना चाहते हैं, वरना धर्म सरना धर्म को धर्म कोड मिले इसका भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन के अंदर आजसू का भी घोषणा पत्र आ जाएगा। आगामी 2-3 दिन के अंदर में आज भारतीय जनता पार्टी हमारे सहयोगी इकाई का घोषणा पत्र आ गया, 2-3 दिन के अंदर में हमारा भी घोषणा पत्र आ गया। घोषणा पत्र में आप देखेंगे सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा नुकसान जिस वर्ग का हुआ है वही मेरी प्राथमिकता होगी, जैसे युवा रोजगार ये मेरी प्राथमिकता होगी। उससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है किसी राज्य में किसी नौजवान का। आज जो भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र आया है उसमें 1 रुपए में ये हमारी पुरानी योजना थी, हम याचक नहीं बनाना चाहते महिलाओं को, हम मालिक बनाना चाहते हैं। जो प्रक्रिया पिछले रघुवर गवर्नमेंट ने प्रारंभ की थी उसे फिर से चालू करेंगे, वही आ जाए। रजिस्ट्रेशन 1 रुपया में जो आया है रघुवर सरकार में ये कार्यक्रम आया था उसे फिर से महिलाओं के लिए ला रहे हैं ताकि मालिक का ना बोध महिलाओं में हो। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि आदिवासियों पर एनसीसी लागू नहीं होगा। निश्चित रूप से कहा है। सरना धर्म कोड के बारे में आपकी पार्टी ने क्या सोचा? स्पष्ट है हमारा, हमें उसका पक्षधर हूं और लगातार इस पक्ष को लेकर हम लोग आंदोलन भी करते रहे हैं। हो गया, धन्यवाद। पर था और लक्ष्य पर था। आज के दिन में जो हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है कि हर हालत पे एनडीए गवर्नमेंट प्रदेश में आए, लोगों की जनभावना के अनुसार कार्यकर्ता पदाधिकारी सब मिलकर काम करें और डुमरी में एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम बढ़ें,
यही तैयारी हमारी। गांडे विधानसभा की भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी ने गांडे के विभिन्न गांवों का दौरा कर लोगों के बीच जनसंपर्क किया और वहां की जन समस्याओं से अवगत हुए और समाधान का आश्वासन दिया। गांडे विधानसभा की भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी का जनसंपर्क कार्यक्रम रविवार सुबह 8 बजे बड़कीटांड पंचायत के बंधाबाद से शुरू हुआ। यहाँ से यह महेश मुंडा बड़कीटांड कुसुम्बा दास डी पंचायत के देवंडी कोलहरिया भोगतिया लोहारी मरगो डी महुआ सिंगा जियनपुर दास डी गांडे पंचायत के मोहन डी गांडे पुराना बाजार आदि समेत विभिन्न गांवों का दौरा कर लोगों से जनसंपर्क किया और स्थानीय पुरुषों और महिलाओं से मिलकर सबों से भाजपा के पक्ष में वोट की अपील की। साथ ही क्षेत्र के जन समस्याओं से अवगत हुए और समाधान का आश्वासन दिया। इस मौके पर भाजपा के प्रत्याशी मुनिया देवी ने कहा कि फिलहाल हम लगातार क्षेत्र के लोगों से मिलजुल रहे हैं तो देख रहे हैं कि इस बार भाजपा के प्रति कार्यकर्ताओं का खास उत्साह है। लोग इस बार गांडे विधानसभा में बदलाव की मूड में हैं। हमें क्षेत्र में भरपूर समर्थन मिल रहा है। इस बार गांडे में कमल ही कमल है और कहीं कोई दूसरा नहीं है। हम पूरी तरह से गांडे जीत रहे हैं। वहीं भाजपा नेत्री शालिनी वैसेख्यार व गांडे मंडल अध्यक्ष ने भी अपने बातों को रखा। जनसंपर्क अभियान के दौरान मौके पर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष यदुनंदन पाठक युवा नेता मनीष कुमार गांडे मंडल उपाध्यक्ष हरि मंडल अरुण पांडे रुद्रा संकेत कुमार गुप्ता वीरेंद्र पांडे नीरज कुमार दिनेश यादव सहित कई स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। गांडे मंडल की दौरा चल रही हमारी प्रत्याशी मुनिया देवी जी का और जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर पूरा जन सैलाब उड़ रहे हैं। लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की इस बार कल्पना सोरेन को जिस तरह हवाई जहाज से आ रही है उस तरह हवाई हवा में उड़ने वाली है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में और गांडे विधानसभा से मुनिया देवी का जीत भारी मतों से होने वाली है। हम जल संपर्क कर रहे हैं, माताएं बहने से मिल रहे हैं, तो मिलने के बाद देखिए आप भी पीछे मेरे पीछे देख लीजिए कि हमारे माताएं बहने कितने मेरे समर्थन में है, समर्पित हैं। तो सबसे हमको समर्थन मिल रहा है। सब भारतीय जनता पार्टी का सब सिपाही हैं, सब कार्यकर्ता हैं, तो बहुत इन लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है और मिलेगा। आप हमारे माताएं बहने से भी बयान ले लीजिए कि इनको मतलब कैसा नेता चाहिए और क्या विकास होने वाला नेता चाहिए। अब गांडे विधानसभा में देख सकते हैं कि कुछ विकास के नाम से एकदम जीरो जाना जाता है। ना रोड पुलिया देखने को मिलेगा, ना कहीं तालाब मिलेगा, ना कोई सिंचाई का व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य का व्यवस्था है, ना पढ़ने का व्यवस्था है। यहाँ इस वजह से देखने को मिल रहा है गांडे विधानसभा से। तो हमसे ज़्यादा जो यहाँ के ग्रामीण भाई बहनों हैं इसे भी बयान ले लीजिए, इससे भी जायजा ले लीजिए कि क्या गांडे विधानसभा में बदलाव होना चाहिए या ना चाहिए। तो अपने लोग खुद बताएंगे, हम तो पूरा घूमिए रहे, हम तो देखिए रहे कि यहाँ का रवैया क्या है। सो कहीं गाड़ी जाने का जगह नहीं है, पैदल आदमी को जाने का जगह नहीं है, पानी पड़ जाएगा तो पैर फिसल जाएगा। उस तरह से घर गांव का नली गली देखने को मिल रहा है। कुछ खास अपील करना चाहेंगे यहाँ के मतलब जनता जनार्दन से? यहाँ का जितने भी है हमारे गांडे विधानसभा के भाई बहनों सबको मैं यही अपील करती हूँ, यही आश्वासन देती हूँ कि जागने का समय आ गया है। आप लोग कमर कसिए और जागिए और भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। और भारतीय जनता पार्टी जीतने के बाद जितने भी योजना हमारे जो शुरू होने जा रहा है योजना कभी बंद नहीं होता है। पूर्व में जब हमारे रघुवर दास सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, उस समय देखिए कितना हमारे माताएं बहनों को लखपति दीदी बनने को मौका मिला। एक रुपया में 50 लाख का जमीन को रजिस्ट्री होने मिला हमारे माताएं बहने के नाम से। लेकिन इस सरकार आते हुए योजना को बंद कर दिया गया है। एक तरह से जानिए कि हमारे माताएं बहनों को दबोचने को काम कर रहे हैं। तो माताएं बहनें आज जाग चुकी है। देखिए आप सबको हमारे पीछे कितने माता बहनें हैं, माताएं बहनें आप जाग चुकी है। अब इनको नहीं चलेगा, अब इनको भारतीय जनता पार्टी को नेता चाहिए, तभी हमारे गांडे विधानसभा का विकास होगा। बहुत बहुत आपको चैनल को धन्यवाद। जम्मू थाना के द्वारपहरी मोकरिया गांव की कैलाश साव द्वारा भारी मात्रा में विदेशी शराब को झारखंड के अलावा बिहार के विभिन्न जिला में खपाया जा रहा है, जिसकी सूचना मिलते ही घोरीमहुआ एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम गठन कर छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें भारी मात्रा में अवैध शराब की बोतलें बरामद की गई और साथ ही कैलाश साव को गिरफ्तार कर लिया गया। खोरीमहुआ एसडीपीओ ने रविवार को 12 बजे जमुआ थाना में प्रेस वार्ता कर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद होने की जानकारी दी। इस मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। बताया गया कि जमुआ थाना क्षेत्र द्वारपहरी
मोखोरिया गांव के कैलाश साव द्वारा बड़ी मात्रा में विदेशी शराब को झारखंड के अलावे बिहार के विभिन्न जिला में खपाने का काम करता है। इस बात की सूचना प्राप्त होते ही एसपी गिरिडीह ने खोरीमहुआ एसडीपीओ राजेंद्र कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिसमें जमुआ अंचल पुलिस निरीक्षक रोहित महतो, जमुआ थाना प्रभारी मणिकांत कुमार, राजधनवार थाना प्रभारी सतेंद्र पाल, हिरोड़ी थाना प्रभारी धर्मेंद्र अग्रवाल, रोहित सिंह एसआई जमुआ, छाया किस्कू, सहनी देव, प्रकाश पांडे एवं पुलिस बल को टीम में रखा गया। शनिवार की देर रात टीम ने लोकेशन के आधार पर अवैध रूप से विदेशी शराब की कारोबार करने वाले कैलाश साव से घर की तलाशी ली तो टीम को बड़ी मात्रा में विदेशी शराब मिलने के बाद जमुआ पुलिस ने संचालन कैलाश साव को अपने कब्जे में लेकर बड़ी मात्रा में शराब रखे जाने से संबंधित दस्तावेज की मांग की। इसने किसी प्रकार का शराब से जुड़ी दस्तावेज नहीं प्रस्तुत कर पाया। रविवार को खोरीमहुआ एसडीपीओ राजेंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि छापेमारी अभियान में 1038 बोतल बरामद किया गया। बताया गया कि कैलाश प्रसाद साव के द्वारा अपने घर में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब रखा गया, जिसे उसका दमाद डब्लू साव ग्राम चरकी थाना पीरताड़ के द्वारा गाड़ी में लोड कर बिहार ले जाकर खपाने की तैयारी कर रहा है। छापेमारी के दौरान कैलाश प्रसाद साव के घर से 46 कार्टून एवं 6 पीस खुला विदेशी शराब, टोटल 1038 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुआ, जिसके बाद कैलाश प्रसाद साव को गिरफ्तार कर थाना लाया गया। इसके संबंध में जमुआ थाना कांड संख्या 218/24 दर्ज किया गया है। कांड में शेष फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है। एसपी गिरिडीह के गुप्त सूचना के आधार पर जमुआ थाना प्रभारी और राजधनवार थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर जमुआ अंचल, थाना प्रभारी हिरोडी का एक विशेष टीम मेरे नेतृत्व में बना, इसमें एफएसटी की टीम भी शामिल हो गई। और गुप्त सूचना के आधार पर द्वार पहाड़ी में कैलाश साहब का दो तल्ला घर, उस दो तल्ले में नीचे तल्ले में सूचना मिली कि शराब, अवैध शराब की पेटी पड़ी हुई है। तो संयुक्त रूप से पूरे टीम के छापामारी के दौरान भिस्की 999 750 ml की लगभग 87 पेटी और एक पेटी खोला हुआ था, मैंने 86 पेटी और कुछ और, टोटल 1038 बोतल अवैध शराब हम लोग रिकवर किए। और टोटल इसका जो लीटर है सो 778.5 लीटर शराब हम लोग को प्राप्त हुआ। और वर्तमान मूल्य के आधार पर इसकी कीमत है 5,29,380 रुपये। इस छापामारी में जो इनका घर है, अभियुक्त जो है कैलाश साहब, उनको हम लोग गिरफ्तार किए हैं। और बाकी जो इसमें और हम लोग गहन अनुसंधान के द्वारा इसमें कौन कौन टीम, कौन कौन लोग शामिल हैं, इसकी गहराई से अनुसंधान कार्य चल रहा है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहां रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहां उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहां सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहां से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें, एक कपड़ों के दामों पर दो कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक,
तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारे श्री संजीव टेक्सटाइल बड़ा चौक गिरिडीह। बोड़ा दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन। अस्थि रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी के बीच जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। छह महीने पहले एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के भाग जाने के संबंध में थाना में आवेदन दिया था, लेकिन महिला का कुछ पता नहीं चला। वही रविवार की सुबह गांव के ही लोगों ने एक महिला और एक व्यक्ति को पकड़ा। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस उसे गिरफ्तार कर थाना ले आई। मुफस्सिल थाना के चेंगरा बासा से पुलिस ने एक महिला और एक व्यक्ति को पकड़कर रविवार सुबह 6 बजे अपने साथ थाना ले गई। बताया गया कि 6 महीने पूर्व एक व्यक्ति ने मुफस्सिल थाना में पत्नी के भाग जाने के संबंध में आवेदन दिया था, लेकिन इनकी पत्नी का कोई भी पता नहीं चल पाया। सुबह करीब 6 बजे मुफस्सिल थाना की पुलिस को सूचना मिली कि गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा एक महिला और एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को थाना ले आई। बताया गया कि महिला के 4 बच्चे हैं और व्यक्ति के भी 4 बच्चे हैं। महिला की उम्र करीब 45 वर्ष है, वहीं व्यक्ति की उम्र 35 वर्ष है। दोनों का करीब 1 साल से बातचीत चल रहा था, जिसके बाद महिला 6 महीने पूर्व उसके साथ भाग गई थी और उसी के साथ रह रही थी। महिला के परिजनों को सूचना मिली कि महिला अपने प्रेमी के साथ मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रघुसिंगा में रह रही है, जिसके बाद महिला के परिजन व उसके गांव वाले वहां पहुंचे और दोनों के साथ जमकर मारपीट करने लगे और उसके बाद दोनों को उठाकर अपने घर चेंगरा बासा ले आए, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस दोनों को लेकर थाने चली गई और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बेंगाबाद के मीडवे ग्रीन होटल में खटवार समाज के एक बैठक की गई, जिसमें गांडे विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा किया गया और भारी मतों से भाजपा को जीत दिलाने की बात कही। साथ ही भाजपा के नेता व कार्यकर्ताओं को चुनाव के संबंधित टिप्स दिए गए और झारखंड की सरकार पर जमकर निशाना साधा। बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत करणपुरा स्थित मीडवे ग्रीन होटल में रविवार को खटवार समाज की बैठक हुई, साथ ही गांडे विधानसभा के चुनाव को लेकर भी बात हुई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे मौजूद रहे। गांडे से भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी ने श्री दुबे का स्वागत बुके देकर किया। इस मौके पर विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। मौके पर निशिकांत दुबे ने उपस्थित भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनाव से संबंधित टिप्स दिए। मीडिया को संबोधित करते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि भाजपा की सरकार जो बोलते हैं वही करती है। झारखंड के हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गठबंधन की इस सरकार ने 5 वर्षों तक युवा, गरीब, आदिवासी महिला को ठगने का काम किया है। कल्पना मुर्मू सोरेन ने गांडे विधानसभा क्षेत्र की जनता को बरगलाने का काम की है। इन्होंने जनता से गांडे विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी के पक्ष में वोट देने की अपील की। कहा कि झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनते ही जो भी जनता से वादा किया गया है उसे पूरा किया जाएगा। 10 दिसंबर को गोगो दीदी योजना के माध्यम से 2100 रुपए माताओं, बहनों और बेटियों के खाते में भेज दिया जाएगा और यह प्रत्येक माह जारी रहेगा। कहा कि और जो भी सरकार का संकल्प पत्र है उसे पूरा किया जाएगा। मनरेगा की तरह उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में मजदूरों को जो है हम रोजगार देंगे, वो योजना चल रही है क्या? पेट्रोल डीजल देंगे वो योजना चल रही है क्या? 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे वो योजना चल रही है क्या? भारतीय जनता पार्टी की जो योजना चलती है, जैसे हमने कहा कोरोना के बाद कि हम लगातार जो है सभी लोगों को खाना देंगे, 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। हमने कहा प्रधानमंत्री आवास बनाएंगे,
प्रधानमंत्री आवास बना रहे हैं, बना रहे हैं। पहली कैबिनेट हमने 3 करोड़ लोगों के लिए कहा है। अभी हम कह रहे हैं कि मुफ्त बिजली के लिए सभी बहनों को जो है हम सोलर प्लेट से जो है देंगे, जो उत्पादन होगा उसका हम उसको बेचेंगे, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। इसी तरह से हमने जो अभी जनता के साथ वादा किया है, हम जैसे ही आएंगे वैसे ही 10 दिसंबर पहला इंस्टॉलमेंट 2100 रुपया दे देंगे महिलाओं के नाम से, क्योंकि रजिस्ट्री हो जाएगी। किसानों को जो 5000 पर एकड़ मिलता था खेती करने के लिए, वो योजना फिर से हम चालू कर देंगे। युवा जो बेरोजगार हैं उनके लिए हमने कहा है कि उनको 2 साल तक जो है पैसा देते रहेंगे, जिससे कि वो कॉम्पिटिशन की तैयारी करते रहें। पहले कैबिनेट में हमने कहा है कि 3 लाख लोगों के रोजगार के लिए जो है उसका ब्लू प्रिंट तैयार कर देंगे, जिससे कि जनवरी फरवरी तक हम उन लोगों को करा दें, नौकरी करा दें। जेपीएससी का जो पद खाली है हमने कहा है 30 दिन के अंदर उसको भर देंगे। जो स्टेट सर्विस कमीशन का चेयरमैन का जो पद खाली है वो हमने कह दिया। तो हमने जो कहा है वो सब काम होने लायक है, और हमने इतनी सारी जो चीज़ें कही हैं वो दम पर कही हैं। हमारे पास उतना पैसा है और ये मोदी गारंटी है ये पूरा होगा। और आज अमित शाह जी ने जो लॉन्च किया है उस पर जनता को भरोसा नहीं। एक तरफ अमित शाह संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ हेमंत जी का आरोप भी है कि दलित और आदिवासी विरोधी होने का आरोप भी सीधे तौर पर लगाया जा रहा है भाजपा पर। मैंने कल ही कहा रांची डीसी मंजुनाथ भंसरी को भी हटाया गया। सिंह जी मुख्य सचिव है, डीसी तो छोटा चेची है ना, जो मुख्य सचिव है सुखदेव सिंह जी वो शेड्यूल कास्ट, उनको हटा दिया, हटाया कि नहीं। अजय कुमार सिंह डीजीपी जो अभी चुनाव आयोग ने फिर से इंस्टेट किया, वो भी तो शेड्यूल कास्ट है, उनको हटाया कि नहीं हटाया। आप जो है चपरासी की बात कर रहे हो कि चपरासी को हटा दिया, आपने मालिक को हटा दिया, मुख्य सचिव को हटा दिया, आपने डीजीपी को हटा दिया, दोनों शेड्यूल कास्ट है, तो कौन सी मानसिकता है? इसको कहते हैं अपने दिल से जानिए पराए दिल का हाल। वो खुद ही एससी विरोधी है, खुद ही एसटी विरोधी है। आप जहां आज मीटिंग कर रहे हैं ये घटवाल जाति 1950 तक जो है ये आदिवासी थी। पिछले 4 साल 5 साल से 2020 लगातार भारत सरकार कहती है कि आप इनका TRI रिपोर्ट भेजिए, इथनोग्राफी रिपोर्ट भेजिए, वहां से रिमाइंडर आता है रख लेता है। आप आदिवासी के दुश्मन नहीं हो, घटवाल आदिवासी नहीं है, घटवार आदिवासी नहीं है, खेतौड़ी आदिवासी नहीं है, वो आदिवासी का दुश्मन है। और आदिवासी का दुश्मन यदि नहीं होता तो संधार प्रणाली 45% आदिवासी हुआ करता था 1951 में, आज 2011 की जनगणना में वो 27-28% है। अभी जनगणना जब हो जाएगी, जो नई जनगणना होगी, तो 23-24% हो जाएगा। तो आदिवासी की संख्या सीधे घट गई, मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई। आदिवासियों की कौन सी चिंता कर रहा है? तो आदिवासी का दुश्मन हेमंत सोरेन JMM है कि आदिवासी का? हम तो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं ना। आज ही घोषणा पत्र में क्या कहा अमित शाह जी ने कि जो महिला मुसलमानों के साथ शादी करेगी, बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ शादी करेगी, उनके बच्चों को हम आदिवासी का दर्जा नहीं प्राप्त होने देंगे। जिन मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठियों ने आदिवासियों का जमीन कब्जा कर लिया है उनके जमीन को हम वापस करेंगे, और जो बांग्लादेशी मुसलमान आ गए हैं घुसपैठ के तौर पर उनको खदेड़ कर बाहर करेंगे कानूनी रास्ते से, NRC लागू करेंगे। आज ही का है ना। तो आदिवासी की चिंता हम कर रहे हैं कि आदिवासी की चिंता वो कर रहे हैं। रविवार को कायस्थ समाज की ओर से कई स्थानों पर बड़े धूमधाम के साथ भगवान चित्रगुप्त की पूजा की गई, साथ ही कई स्थानों पर प्रतिमा स्थापित कर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना किया गया, और समाज से जुड़े और अन्य लोग भी भगवान चित्रगुप्त का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुंचे हुए थे। कायस्थ समाज की ओर से रविवार को 11 बजे वकालत खाना समेत कई स्थानों पर धूमधाम से चित्रगुप्त पूजा की गई। बाल लाइब्रेरी में केंद्रीय चित्रगुप्त पूजा समिति की ओर से प्रतिमा स्थापित कर भगवान चित्रगुप्त की आराधना की गई। इसके अलावा चित्रांश भवन, बरमसिया, शास्त्री नगर पूजा समिति, पुराना जेल परिसर मंदिर, कोयलांचल कायस्थ महापरिवार, बनियाडी, सीहोडी चित्रगुप्त पूजा, मोहनपुर पूजा समिति और विभिन्न इलाकों में धूमधाम से चित्रगुप्त पूजा मनाया गया। सभी स्थानों पर प्रतिमा स्थापित कर भगवान चित्रगुप्त की पूजा आराधना की गई। इसके बाद महाआरती और प्रसाद का वितरण किया गया। वहीं सामूहिक खान पान का भी आयोजन सभी स्थानों पर किया गया। वकालत खाना में काफी संख्या में समाज से जुड़े और अन्य लोग भी भगवान चित्रगुप्त का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुंचे थे। इस मौके पर विभिन्न पूजा पंडालों में विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी निर्भय शाहबादी, सुदिव्य कुमार सोनू, नवीन आनंद चौरसिया, अनीशा सिन्हा समेत कई प्रत्याशी पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त किए और कायस्थ समाज के लोगों को चित्रगुप्त पूजा की बधाई दी। केंद्रीय चित्र महापरिवार
भुया समिति की ओर से वकालत खाना में 1903 से ही चित्रगुप्त भुया मनाई जा रही है, जो आज लगातार जारी है। आज चित्रगुप्त भोजन के बाद प्रसाद वितरण होगा, प्रसाद वितरण के बाद भंडारा होगा, भैयारी भी करते हैं, सभी उसका प्रसाद का आनंद लेंगे। ढंग से भगवान चित्रगुप्त की आराधना की जाती है। मेरे बड़े सौभाग्य है मेरे कि मैं आज भी यहाँ पर आ करके यहाँ पर हाजिर दिया और भगवान के चरणों में मैंने अपना शीश नमन किया है। हम ये इतना ही कह सकते हैं भगवान की जो पूजा यहाँ पर अर्चना की जाती है वो अपने आप में बिल्कुल अनूठी और पूरे गिरिडीह के लोगों की यहाँ पर उपस्थिति होती है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैं बार एसोसिएशन के सारे सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, इतने व्यवस्थित ढंग से इस पूजा अर्चना को निभाने का काम करते हैं, ये गिरिडीह के लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं भगवान चित्रगुप्त के त्योहार पर। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एसके डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गॉल ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रियाटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज, वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह, मोबाइल नंबर 7030834561 9955152065। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट, मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, RO वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्रिक की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है।
किसान जनता पार्टी के केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारियों की बैठक रविवार को 1 बजे केंद्रीय कार्यालय झलक डीहा में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए किसान जनता पार्टी के केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि जनता या किसानों की समस्या चुनाव में मुद्दा बन नहीं पाता है। जनता अपने जाति धर्म के नेताओं के बात पर जब तक वोट करते रहेगा तब तक भ्रष्टाचार पर लगाम लगना संभव नहीं है। पैसे के लोभ में उम्मीदवार अपने पार्टी से एन मौके पर गद्दारी कर सत्ता के हाथों बिक रहा है और सत्ता के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति उसे खरीद रहा है। बिकने वाला व्यक्ति जितना दोषी है उतना ही दोषी खरीदने वाला भी है। इसलिए खरीद बिक्री का खेल स्थिर होने के बाद ही किसी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी रिजवान क्रांतिकारी केदार हाजरा मंजू देवी जैसे लोग चुनावी मैदान में हो सकते हैं। किसान जनता पार्टी के सचिव विजय कुमार ने कहा कि पंजी 2 का सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने संबंधी अपर समाहर्ता महोदय गिरिडीह के पत्रांक 1854 दिनांक 8/10/2024 के संदेश को जो उम्मीदवार सबसे प्रबल तरीके से जनता तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, किसान जनता पार्टी उसी उम्मीदवार को समर्थन करने पर विचार करेगी। बैठक में किसान जनता पार्टी के संरक्षक सुकुल नारायण देव, कोषाध्यक्ष छत्रधारी सिंह, बेंगाबाद अंचल अध्यक्ष नबी अंसारी, संस्थापक सदस्य सरजू हंसदा, वासुदेव मरांडी, बेदुन निशा, सुधीर सिंह, मोहम्मद जहांगीर, अब्दुल अंसारी, चिंतामणि सिंह, धनेश्वर महतो, मुकेश राय, जुली कुमारी, कुसुमी देवी, धुनु मुर्मू आदि उपस्थित रहे। गिरिडीह विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहबादी ने निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 3 में अपना जनसंपर्क अभियान शुरू किया और लोगों के बीच जाकर अपने समर्थन में मतदान करने की अपील की। साथ ही वर्तमान की सरकार पर लूट और खसोट की सरकार बताया। गिरिडीह विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहबादी ने रविवार को भी अपना जनसंपर्क अभियान को और भी धार देते हुए सुबह से ही आज का जनसंपर्क अभियान शुरू किया। रविवार को निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 3 में यहां मुस्लिम टोला एवं दलित टोला में बैठक कर लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान कर और अपने लिए जनता का आशीर्वाद मांगा। यहां लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, जब भी वे चुनाव लड़े हैं तो पचम्बा की जनता से हमेशा उन्हें सहयोग मिलता रहा है, जिसके लिए उन्होंने यहाँ की जनता का आभार भी व्यक्त किया। कहा कि इस चुनाव में भी लोग कंधा से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में बदलाव का वातावरण है। लोग इस सरकार के संरक्षण में केवल लूट खसोट भ्रष्टाचार और आपराधिक घटनाओं का विकास हुआ है। सरकार और इनके प्रतिनिधि जो गलती से चुन लिए गए, अब आम जनता को यह समझ आ गया है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार में ही प्रदेश और क्षेत्र का विकास हो सकता है। इस मौके पर विनय सिंह, सदानंद वर्मा, संजय सिंह, सुरेश मंडल सहित कई लोग उपस्थित रहे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह शहर के उपनगरी पचम्बा में खुल गया है ब्रांडेड जूतों की नई दुकान। हमारे यहाँ युवाओं के लिए खास कलेक्शन उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं भारत के नामी गिरामी जूते, चप्पलों व स्लीपर की प्रतिष्ठित कंपनियों के जूतों का कलेक्शन, वो भी फुल रेंज में। जैसे नाइकी, रिबॉक, एडिडास, पुमा, एक्स कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल और स्पोर्ट्स शू के 7A क्वालिटी में हर प्रकार के जूते, चप्पल व स्लीपर के लेटेस्ट मॉडल, हर डिजाइन, अनेक रंगों व हर साइज में उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं अंतर्राष्ट्रीय कंपनी थाईलैंड की बनी अड्डा यूनो ग्लोबल की ब्रांडेड ऑल पर्पज स्लीपर, जो काफी कम कीमत पर उपलब्ध है। हमारी पहचान पूरे गिरिडीह व पचम्बा शहर में सबसे कम कीमत पर ब्रांडेड जूते चप्पलों के विक्रेता के रूप में की जाती है। कम कीमत पर आपको देते हैं गारंटी जूता चप्पल। इसके अलावे न्यू बैलेंस कंपनी की सभी प्रकार के जूते व चप्पल भी उपलब्ध है। तो इस त्योहार में खुशियां मनाएं ब्रांडेड शूज के साथ। हमारा पता है मस्जिद मार्केट, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की चौथे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिसर, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की,
बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। एसटी एससी ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बर रोड जीडी बगेड़ी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रक्तदान के क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए सीसीएल ने रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार को रविवार को 3 बजे बनियाडी पार्क में सम्मानित किया। सीसीएल की ओर से यहां आयोजित रंगारंग कार्यक्रम के दौरान जीएम बासव चौधरी ने सॉल सर्टिफिकेट व मोमेंटो देकर श्री कुमार को सम्मानित किया। उन्होंने रक्तदान के क्षेत्र में रेड क्रॉस के योगदान की सराहना की। इस दौरान सचिव विवेश जलान, संयुक्त सचिव निकिता गुप्ता, कार्यकारिणी सदस्य मदन लाल विश्वकर्मा, डॉक्टर तारकनाथ देव व डॉक्टर सोहेल अख्तर को भी मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने आकर्षक व रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। मौके पर डॉक्टर परिमल कुमार समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। पहले ब्लड डोनेशन कैंप, उसका बाद रैली, ये सब डिफरेंट टाइप का प्रोग्राम किया है और स्कूल स्कूल में क्विज, नुक्कड़ नाटक ये सब किया गया है। आज इसका समापन समारोह चल रहा है जिसमें भी नुक्कड़ नाटक, ट्राइबल डांस, जूडो और डिफरेंट टाइप का करके, साथ में रंगोली का पौधा लगाना, डिफरेंट टाइप का कार्यक्रम करके हमारा युवा शक्ति और बच्चा को देश हित में आगे ले जाने के लिए सीसीएल का तरफ से ये कार्यक्रम हो रहा है। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।